हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको 100 फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है साथ ही आप यहां पर सीयूटी आई आई टी नीट एस एस बैंक रेलवे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट

टॉपिक वाइज वीडियो सभी चीजें कंप्लीटेड है स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से आप एक्सेस कर सकते हो यदि आपको यूट्यूब से ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com को भी एक्सेस कर सकते हो वहां पर भी आपको सारे वीडियो लेक्चर वन टू एट पूरे चैप्टर्स अरेज्ड वे में मिल जा रहे हैं

यस ऑफकोर्स मैम क्या पूछ रही हूँ आप इन डिवाइसेस को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कहीं ना कहीं हम इनका रेगुलर यूज करते हैं करते हैं ऑब्वियस यदि आपको गेम खेलना है तो आप अपने मोबाइल फोन का यूज करते हो या आप लैपटॉप इसी का भी यूज कर सकते हो है ना आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो वहां पर आपने इस तरीके का डिवाइस भी देखा होगा जिसे हम बारकोड रीडर कहते हैं बाकी कीबोर्ड माउस मोनिटर प्रिंटर स्पीकर पेन ड्राइव है ना आपका मोबाइल फोन स्टाइलस लाइट पेन सी डी स्कैनर प्रिंटर इन सारे डिवाइसेस को आप बहुत अच्छे से जानते हो ओके और इन सारे डिवाइसेस को हमने हमने किस चैप्टर चैप्टर में 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 पढ़ा बिल्कुल, एट में हमने पढ़ा बिल्कुल so, सारे सारे डिवाइसेस डिवाइसेस को कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ओके सो इन के बारे में हमने स्टडी भी किया क्या देखा था हमने चैप्टर एट में चैप्टर एट कॉम्पोनेट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हमने देखा था कि बेसिकली तीन कॉम्पोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट होती है इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट ओके इसमें हमने क्या देखा कि कौन कौन से इनपुट यूनिट होती है कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कौन से प्रोसेसिंग डिवाइसेज होते हैं कौन से स्टोरेज डिवाइसेज होते हैं सो so, यहां पर भी यदि कैटेगराइज करने को आ जाए कि नेम इनपुट डिवाइसेस डिवाइसेस सम आउटपुट जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, okay? so, थोड़ा सा लेकिन यदि आपने चैप्टर एट अच्छे से समझा है चैप्टर एट अच्छे से समझा है तो आप इन सारे डिवाइसेस में से आसानी से बता सकते हो कि कौन से इनपुट डिवाइसेस है कौन से आउटपुट डिवाइसेस है और कौन से स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइसेज है राइट right? तो so, यहां पर देखो इन सारे डिवाइसेस में हम यदि कैटेगराइज करें तो वो सारे डिवाइसेस जो यूजर को इनपुट जो यूजर कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देता है राइट जब यूजर कंप्यूटर सिस्टम में कोई इनपुट देता है तो जिन डिवाइसेस का यूज करता है वो इनपुट डिवाइसेस हो गए लाइक कीबोर्ड माउस इनके थ्रू आप क्या करते हो इनपुट प्रोवाइड करते हो जैसे कि आपको यहाँ पे बार रीडर दिख रहा है ये भी क्या कर रहा है बारकोड को रीड करके कुछ ना कुछ सिस्टम तक इनपुट प्रोवाइड कर रहा है जॉय दिख रहा है जॉय के थ्रू भी हम क्या करते हैं कुछ ना कुछ इनपुट डायरेक्शन जो रहती है ऑब्जेक्ट की

अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हो राइट सो यही सारे डिवाइसेस बेसिकली क्या कहलाते हैं यही सारे डिवाइसेस आपके कहलाते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस ओके सो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नाइन पेरिफेरल डिवाइसेस जिसमें आपको पढ़ना है क्या इन सभी डिवाइसेस के बारे में डिटेल में सो so, चैप्टर नंबर एट में कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हमने इन सारे डिवाइसेस के नाम डिस्कस किए थे इन्हें किन कैटेगरी में रखा जाता है वो देखा था और इस चैप्टर में हमें इन सभी डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है सो कलेक्टिवली दिस ऑल डिवाइसेस आर नोन एज पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अब पेरिफेरल्स क्या हो गया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर से आप कनेक्ट करते हो उन सभी डिवाइसेस को कलेक्टिवली हम पेरिफेरल्स के नाम से जानते हैं या आप पेरिफेरल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोल सकते हैं

ठीक है जैसे कि बिजनेस में कोई ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उन अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना काम होता है बट कलेक्टिवली उन सभी का एक ही गोल होता है कलेक्टिवली जो पूरा बिजनेस सिस्टम है जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ही मेन गोल होता है ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना ठीक है कस्टमर को सेटिस्फाई करना बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट स्टोरेज यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट इन सभी के अलग अलग काम होते हैं लेकिन ये कलेक्टिवली क्या करते हैं यूजर को रिजल्ट देते हैं यूजर जो भी टास्क चाहता है उसको परफॉर्म करके देते हैं फाइन सो देर आर मेनी अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेज अब कंप्यूटर सिस्टम के कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेज होते हैं दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर डायरेक्टली

पेरिफेरल का मतलब कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट जो कंप्यूटर से कनेक्ट किए जाते हैं जो अभी हमने देखे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स, ओके नाउ द टर्म पेरीफेरल डिवाइस रिफर्स टू ऑल हार्डवेयर देखो कंपोनेंट्स दैट आर अटैच टू अ कंप्यूटर एंड आर कंट्रोल्ड बाई द कंप्यूटर सिस्टम वो सभी हार्डवेयर की हम बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट किए जाते हैं अटैच किए जाते हैं है ना और कंप्यूटर सिस्टम उन्हें कंट्रोल करता है उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है बट आर नॉट दी कोर कॉम्पोनेट ऑफ कंप्यूटर लाइक सीपीयू मदरबोर्ड एंड पावर सप्लाई एक्सेट्रा ओके okay, अब यहाँ पे पेरिफेरल्स में आप क्या बोल रहे हो सारे इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस को इंक्लूड कर रहे हो बट यहां पर जो इंक्लूड नहीं होता है वो आपका सीपीयू मदरबोर्ड पावर सप्लाई ये इंक्लूड नहीं होता है ओके okay, इनको छोड़कर जितने भी अदर कंपोनेंट क्योंकि जो भी कंपोनेंट है उनको आप कनेक्ट कहां से कर रहे हो मदर से ही कनेक्ट कर रहे हो ना तो मदर से जब आप कनेक्ट करोगे तभी वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर पाएंगे सो so, मेरी बात समझ में आ गई ना क्या बताया पेरीफेरल डिवाइसेस के बारे में ओके okay, नाउ Peripherals in other words can also be defined as the device. च कैन बी इजिली रिमूवड एंड प्लग इन टू अंप्यूटर सिस्टम अब इन सारी डिवाइस को आप इजिली प्लग इन भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो ठीक है कहां पे से पोर्ट होते हैं बाकायदा इनके मदरबोर्ड में वहां से ठीक है जैसे पेनड्राइव कनेक्ट करना है तो पेनड्राइव का पोर्ट होता है देखा है आपने अच्छे से की बोर्ड मॉनिटर माउस प्रिंटर सभी के क्या हो सकते हैं कनेक्शन होते हैं पीछे पोर्ट होते हैं मदरबोर्ड में जहां आप इनको कनेक्ट करते हो जैसे पेनड्राइव को आप सीपीयू में आगे साइड पर भी उसके पोर्ट होते हैं वहां से भी लगा सकते हो है ना सो so, ये सारे डिवाइसेज जब आप एक्सटर्नली इंटरनली कनेक्ट करते हो कंप्यूटर सिस्टम से तो ये पेरिफेरल्स कहलाते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लें हम पेरिफेरल डिवाइसेस के तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव मॉडर्म ब्लूटूथ मेमोरी कार्ड रीडर डिजिटल कैमरा मॉनिटर प्रिंटर सीडी रोम ड्राइव सी डी ये सब क्या होंगे

में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो सो so, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ टिल देन थैंक यू सो मच